गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू पंकज अंशु ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे हो। कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मुझे कोल्ड और फीवर हो रखा था, इस वजह से मैं कल का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। सो आज का ब्लॉग होगा काफ़ी इंटरेस्टेड, सो बने रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए आज क्या क्या होता है। किसी अच्छे इंसान ने कहा है, जब भी शॉपिंग का मन करे कर लो शॉपिंग, क्योंकि ये लाइफ दोबारा नहीं मिलने वाली है। सो मैं निकल पड़ी हूँ शॉपिंग के लिए और चलिए चलते हैं आज हम लाजपत नगर शॉपिंग करने। सो फाइनली मैं लाजपत नगर आ चुकी हूँ शॉपिंग करने के लिए और यहाँ आज कुछ गर्मी ज़्यादा ही है, मैं तो धूप से जल गई बिल्कुल। तो चलिए देख शॉपिंग करते हैं। प्यारे प्यारे पर्स दिख रहे हैं, जूतियाँ दिख रही है और भी डेकोरेशन के आइटम मुझे सामने दिख रहे हैं। चलिए करते हैं शॉपिंग हम अपनी स्टार्ट। लेकिन अपना बजट भी तो देख लो, पर्स मार्केट में काफी भीड़ है क्योंकि आज छुट्टी का दिन है ना, मोस्टली वर्किंग लोगों की आज छुट्टी होती है। ऐसा लग रहा है मेरे फेस से बड़ा ये झुमके ही है। मैंने अपने फेस से बड़े झुमके पहन रखे हैं और ये इयर रिंग, ये तो सबसे ज्यादा हद पड़ा। फिर अचानक से चलते चलते मेरी नजर पड़ी स्टेलिटो। मैं यहाँ भाग चली और किस शॉपिंग करने। और वो पता नहीं कितने का था,
डेढ़ लाख का। अंबानी की बहू नहीं यार, अंबानी से कम नहीं है। मैं वही ढूंढने आई थी कि मुझे वो मिल जाता तो फिर मुझे। मैं इनसे क्या कम लग रही हूँ? वो ही इतने स्टाइलिश कपड़े पहनती, मैं भी कुछ कम और इसकी प्राइस है ओनली 100 रुपीज। तो आप इस मार्केट में आए तो अल्लाह जरूर लेके जाए। जोकर भाई साहब ने मना कर दिया, बेइज्जती हो गई। अब जल्दी ही हम घर निकलते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है और इस भीड़ में तो शॉपिंग होने से ही नहीं पता चला कि पांच या कुछ गुम ही हो जाएगा। फाइनली मेरी शॉपिंग हो चुकी है और कल से मुझे सर्दी का फील हो रहा था, मैं बीमार थी और आज मुझे शॉपिंग करके काफी रिलैक्स फील हो रहा है। और आज मैंने बहुत सारी विंडो शॉपिंग की और भगवान की दया से मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया और मैंने कोई पैसे नहीं लाए और सब कुछ विंडो शॉपिंग करके अब मैं घर की तरफ प्रस्थान करती हूँ। तो चलते हैं, कुछ खा पी के घर चलते हैं। और घर जाके घर पे भी बहुत सारे काम है वो निपटाने। और यहाँ पे ये फ्लावर्स बड़े सुंदर सुंदर दिख रहे थे लेकिन सबकी प्राइस इतनी ज़्यादा है जो मेरे बजट के बाहर जा रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया।